मेरठ के लेसाड़ी गेट पुलिस ने बंधन बैंक कर्मचारी से हुई लूट के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 13,500 रुपए नकदी के साथ साथ बंधन बैंक के एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर कर्जा ज्यादा था, जिसको चुकाने के लिए इन्होंने बैंक कर्मचारी से लूट की थी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी इनपुट्स के आधार पर हमारे सीओ कोतवाली एएसपी साहब और एसओ लेसाड़ी उनकी टीम ने इसमें 3 लोगों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से वो मशीन जो लूटी गई थी वो बरामद हुई है। कुछ कैश बरामद हुआ है, 2 स्कूटी जो इसमें इस्तेमाल हुई थी जो सीसीटीवी फुटेज में आई थी ये पकड़ ली गई हैं और बाकी सामान गिरफ्तार हो गए। इसमें 2 लोग अभी शेष रह गए, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 1 महीने पहले 2 स्कूटी पर सवार 4 बदमाशों ने हथियार के दम पर कर्मचारी से नोटों से भरा बैग लूटा था, जिसमें करीब 36,000 रुपए नकद थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 1 बदमाश अब भी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। न्यूज़ ब्यूरो।